सदा खुश रहो मेरे पुत्र, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। पुत्रों, नए वस्त्र धारण करो और अपनी माताओं का आशीर्वाद लो, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हम सबसे पहले माता सुमित्रा से मिलेंगे, फिर माता कैकेयी और फिर माता कौशल्या। देख रहे हैं राजन, राम अपने से पहले औरों की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। यही तो राम की विशेषता है, पर वो नहीं जानता कि कौशल्या के लिए ये थोड़ी सी प्रतीक्षा कितनी बड़ी परीक्षा बन जाएगी। कौशल्या दीदी और कैकेयी दीदी से भेंट हो गई? नहीं माँ, सबसे पहले आप ही के पास आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार मुझसे इतना प्रेम करता है। इससे अधिक संतोष मुझे किसी और बात से नहीं हो सकता। ये तुम चारों मुझे जो इतना महत्व देते हो, उसका स्रोत कौशल्या दीदी और कैकेयी दीदी है। ये तो उनका प्रेम और आशीर्वाद है कि मुझे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देने का सौभाग्य मिला। मुझे अभी भी स्मरण है वो दिन, जिस दिन महर्षि ऋषिशृंग तुम्हारे पिता के निवेदन पर अयोध्या आए थे। पुत्र कामी से यज्ञ करने। शम नो भग शमुन शंसो अस्तु शम नः पुरंदिशं संतूराय शम नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शम नो अर्यम पुरुषातो अस्तु। ये पायस अपनी पत्नियों में बांटिए राजन, इसके सेवन से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका वचन सत्य रहा मां। आपके दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न मुझसे और भरत से ऐसा ही प्रेम करते हैं। तो क्या केवल लक्ष्मण और शत्रुघ्न मेरे पुत्र हैं, तुम नहीं? आप तीनों माताओं के हम चारों संतान हैं। तुम्हारी मधुर वाणी राम, किसी का भी मन हार सकते हो तुम। चलो अब बहुत हुआ, कौशल्या दीदी और कैकेयी दीदी से भेंट कर लो। राम। हाँ मां। कोई उद्विग्नता तो नहीं? नहीं। विजयी भवा। मैं भी चलूंगी रणभूमि में।